हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल श्रेया श्रीमती डिज़ाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे किसी भी पैटर्न को कैसे जोड़ते हैं। हमने थोड़ी सी पैटर्न तैयार कर दिए हैं, अब मैं लीफ बना चुकी हूँ, उस पर छोटे छोटे सर्कल दे रही हूँ। छोटे छोटे सर्कल किसी भी एलिमेंट्स पे दीजिए तो बहुत ही खूबसूरत उभर के आते हैं और मैं इसे फील करूँगी। मैं सीधी लाइन दे रही हूँ और मैं इसे क्रॉस करूँगी। आप चाहें तो सीधी लाइन पे ही डिज़ाइन डाल सकते हैं या फिर क्रॉस कर लीजिए और उसके बाद, या फिर आप छोटे छोटे सर्कल, फिर से मैं दे रही हूँ किसी भी एलिमेंट्स पे, किसी भी डिज़ाइन पे छोटे सर्कल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो हल्की, मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रखा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अब मैं इस पर सिर्फ चेक, बड़े बड़े चेक दे रही हूँ। मैंने डॉट दे दिया है, आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं या फिर इसकी जगह फ्लावर भी बना सकते हैं। मैं अगेन थर्ड आम्बी को क्रिएट कर रही हूँ फ्रेंड्स। आज हम आम्बी, ट्रायंगल या फिर जो हमारे बेसिक पैटर्न है उनको एक साथ कैसे जोड़ना है, किस डिज़ाइन को किसके बाद बनाना है, आज हम ये सीखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग डिज़ाइन बनाते वक्त डिज़ाइन भूल जाते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, उन्हें सोचने लगते हैं और गलत तरह से डिज़ाइन बनाने से जो मेहंदी की क्लियरिटी होती है वो ख़राब हो जाती है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती और थोड़ा सा डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है। मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर दे रही हूँ, बोल्ड करने से मेहंदी अच्छी लगती है। मैं बड़े बड़े डॉट दे रही हूँ, आप चाहे तो छोटे डॉट्स भी दे सकते हैं बट मैं बड़े डॉट्स दे रही हूँ फ्रेंड्स। अब अगर आप मेहंदी, किसी भी मेहंदी को बना रहे हैं तो उसे तुरंत आउटलाइन ना दें क्योंकि फैलने लगती है। जब मेहंदी की लाइनें थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं, थोड़ी सी सूख जाती हैं, अगर उस पर आप बोल्ड लाइन देंगे तो आपकी मेहंदी जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपकी लाइन जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब अगेन हम ट्रायंगल को भरेंगे, ट्रायंगल में हम छोटे सर्कल्स देंगे जलेबी जैसी। तो फिल करना है तो आप उसकी जगह कोई और भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। अब मैं लाइन को अगेन बोल्ड कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं जो बेसिक चेक डिज़ाइन होते हैं मैं उसे बनाऊंगी, जो कि आप लाइन बॉर्डर जो होते हैं जिसकी सेनीमान के बाद किस बॉर्डर को देते हैं। मैंने 4 लाइन दिया है, फिर मैंने उस पर छोटे सर्कल दिए हैं, उसके बाद मैं उस पर थोड़े से बड़े सर्कल दूंगी जैसा कि मैंने ऊपर बनाया हुआ है, उसे थोड़ा सा चेंज है। अब मैं अगेन सीधी लाइन खींच के अगल बगल छोटे छोटे डॉट्स दे दूँगी। छोटे छोटे डॉट्स देने से भी बहुत सुंदर लगेगा ये पैटर्न, आप भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो ऊपर का पैटर्न बनाया है थोड़ा सा उसमें गैप देके नीचे का पैटर्न बनाया है। आप अगर मैं चाहूँ तो ऊपर और नीचे के पैटर्न को खाली जगह को फिल करके जोड़ सकती हूँ, जिससे कि एक हाफ हाथ की मेहंदी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो आपको इसी तरह से किसी भी हाथ में मेहंदी क्रिएट करना है। तो फ्रेंड्स अब अगेन हम सीखेंगे फ्लावर और आम्बी को एक साथ कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि मैं सिर्फ अभी आउटलाइन दे रही हूँ, देख रहे हैं आप, मैंने आम्बी फ्लावर को क्रिएट किया। फिर अगेन मैं आम्बी बना रही हूँ, सर्कल दिया, अब उस पर छोटे सर्कल दूंगी, उसके बाद मैं इसके साथ फ्लावर को ऐड कर दूंगी। तो आप जैसे चाहे वैसे फ्लावर ऊपर या फिर नीचे, अब किसी तरह से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके साथ ट्रायंगल को ऐड कर दिया है, देखिए ट्रायंगल ऐड करने पर भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसकी जगह किसी और को भी फिल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस पर सर्कल, छोटे सर्कल दे दूंगी ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। फ्रेंड्स आप किसी भी एलिमेंट्स पे सर्कल देना ना भूलें, सर्कल देने से इसकी जो आउट एरिया होती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। आराम आराम से सर्कल दें। अब लाइन को मैं आराम आराम से पुश करें, टच करें, बोल्ड करते जाएं आराम से। फिर मैं अगेन अंदर की लाइन को बोल्ड करूँगी, मैं फिल नहीं करूँगी फ्रेंड्स, थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सिर्फ आउट करके आपको दिखा रही हूँ। अगेन मैं इसमें थोड़े से सिर्फ मैं राउंड सर्कल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। राउंड सर्कल भी किसी भी डिज़ाइन में देने से राउंड सर्कल भी अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये सिंपल सिर्फ लाइनें हैं, लेकिन अगर आप इसका चाहें तो एक से एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इसी को आर्ट कहते हैं। आप एक चीज़ से अलग अलग तरह के डिज़ाइन जो बना लेते हैं उसी को हम आर्ट या फिर मेहंदी डिज़ाइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी सर्कल्स जो है तैयार हो रही हैं। आपको आराम से खींच के हल्का सा
घुमा घुमा के किसी भी सर्कल को ऐसे बनाए, या तो एक ही डायरेक्शन में हो, या तो ऊपर की तरफ ही हो या तो नीचे की तरफ ही। ये नहीं कि कभी इधर से बना दे कभी उधर से बना दे, ऐसे नहीं करना है आपको। मेरे सारे डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं। अब मैं सिर्फ अगेन इसमें आउटलाइन दूंगी, मैं लाइन फ्लावर की लाइन को बोल्ड करूंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब मैं सर फ्लावर बना रही हूँ, फिर अगेन मैं बस सीधी लाइन दूंगी जिससे कि ये और भी खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसकी जगह और कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। मैं इसमें सिर्फ थोड़े से लीफ दूंगी, लीफ के डिज़ाइन को मैं इसमें क्रिएट कर रही हूँ। अगेन मैं लाइन दे दूंगी, थोड़े से ये यूनिक लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अब मैं इन तीन पैटर्न को, मैंने कितने पैटर्न सिखाया है, मैंने सिर्फ तीन पैटर्न सिखाया है, और इन्हीं तीन पैटर्न को मैं जोड़ के आप लोगों के सामने एक मेहंदी डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। आप प्लीज़ वीडियो को बीच में छोड़ के ना जाएं, डिज़ाइन को पूरा देखें, जो कि डिज़ाइन एक साथ जोड़ना नहीं जानते हैं। मेहंदी लगाते समय कितने लोगों को भूलने की आदत होती है कि अब इसके बाद हम क्या लगाएं। फ्रेंड्स, आप मेहंदी देख के भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी ब्राइडल को मेहंदी देख के लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बार बार मोबाइल को देखना पड़ता है। अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ की इमेज एक बार बैठ जाए कि नहीं मुझे ये बनाना है, तो उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि ब्राइडल को मेहंदी लगाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत फिंगर्स में पेन होते हैं। फ्रेंड्स, मैं इससे अलग तरह के डॉट्स दे रही हूँ, आप भी चाहें तो दे सकते हैं। मैं सिर्फ जो खाली है उसमें छोटे छोटे डॉट्स दूंगी। अगर मैं फिर से एक बॉर्डर क्रिएट करूंगी, बिल्कुल सिंपल बॉर्डर होंगे, फोर लाइन दीजिए, फोर लाइन मैंने दे दिया। मैंने देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले और नीचे वाले बॉर्डर को एक साथ जॉइंट कर रही हूँ। मैंने थोड़े से ऊपर डार्क ड्रॉप दिए हैं और हल्का सा सर्कल दूंगी, उसके बाद में छोटे छोटे सर्कल दूंगी और मैं एक फ्लावर क्रिएट कर लूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह और कोई भी डिज़ाइन, चेक डिज़ाइन या फिर ड्रॉप डिज़ाइन या फिर कोई और डिज़ाइन भी फिल कर सकते हैं। मैं पूरे ड्रॉप को फिल कर दूंगी, डार्क बोल्ड कर दूंगी, इसके लिए खूबसूरत लगे। अब मैं इसके हल्का सा आउटलाइन दूंगी, नीचे से भी आउटलाइन दूंगी, अगर मैं छोटे सर्कल दूंगी, लाइन को बोल्ड करते हुए जाना है आपको। जैसे मैंने एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन में अटैच कर दिया, और मैं चाहूँ तो अगर आप चाहें तो ऊपर की डिज़ाइन को भी फिल करके आप पूरी डिज़ाइन को एक हाथ की मेहंदी तैयार कर सकते हैं, पूरी डिज़ाइन को जोड़ के। फ्रेंड्स, मेहंदी को पूरा देखें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तब जाके मैंने मेहंदी लगाना सीखा है। अगेन भी मैं अब ब्राइडल भी लेने लगी हूँ, ब्राइडल के लिए भी मुझे ऑर्डर मिलने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग को भी एक न एक दिन ज़रूर ब्राइडल के लिए मौका मिलेगा। बस आप लगाते रहें, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं इसमें सिर्फ जो डिज़ाइन डाल रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन है, ये आज से भी बहुत पहले हर डिज़ाइन में क्रिएशन होता है। जो पुराने डिज़ाइन होते हैं उनको कितना भी कर ले, वो नए और यूनिक तरीके से आप बिल्कुल अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगा सकते हैं। ये बहुत पहले से ही डिज़ाइन है, इसमें कोई नई वो नहीं है कि मैंने बनाया। मैं देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं बना रही हूँ उसके डायरेक्शन ऊपर के एक साइड है और नीचे के डायरेक्शन एक साइड है। आपको डिज़ाइन में यही करना है, सभी डायरेक्शन को एक डिज़ाइन को एक डायरेक्शन में ले जाना है, जिससे देखने में मेहंदी बहुत खूबसूरत और यूनिक लगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं डिज़ाइन को फिल कर रही हूँ। अब मैं अगेन सर्कल बनाऊंगी, आउटलाइन दीजिए, लाइन को बोल्ड कीजिए और प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं फ्रेंड्स, जो मैं फ्लावर, आमली और जो मैंने बॉर्डर क्रिएट किए उसे मैं अब एक साथ देखिए फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करती हूँ। पहले आप छोटे सर्कल बना लें, जो मैंने फ्लावर बनाए उसे फ्लावर बना लें। फ्लावर
बनाने के बाद उसे छोटी छोटी पत्ती वाले फ्लावर बना लें। अब इसी में से आप चाहें अब मैं लीफ बना दूँ। मैंने तीनों पैटर्न को एक साथ जोड़ दिया है फ्रेंड्स, आम्बी, फ्लावर और लीफ। मैंने तीनों लीफ कहें या फिर ड्रॉप कहें पैटर्न को जोड़ दिया है। और चौथा पैटर्न मेरा जो है वो बॉर्डर है, और मैंने बॉर्डर को भी जोड़ दिया है। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं सिर्फ लाइन खींच के बताऊंगी, मैं फिल नहीं करूंगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। और चौथा मैंने ट्रायंगल भी जोड़ दिया है इसमें। आप ट्रायंगल को फ्लावर की साइड भी जोड़ सकते थे, आंधी की साइड भी जोड़ सकते थे, बट मैंने थोड़ा सा आगे जोड़ दिया है। अब अगेन मैं दूसरे पैटर्न को तैयार करूँगी जोड़ते हुए। मैंने पहले ड्रॉप बना लिया, अब मैं ड्रॉप में सर्कल दूंगी जो कि आंधी जैसा लगे। अब अगेन मैं फ्लावर दूंगी। आप या पहले फ्लावर बना सकते हैं, फ्लावर बनाने के बाद भी अगर फ्रेंड्स आप आम भी देंगे तो यूनिक लगेगा। और आप चाहे तो पहले फुल आम भी बना के इसके हाफ फ्लावर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छे पैटर्न है, इसे आप अरेबिक मेहंदी, फुल ब्राइडल किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। अगेन मैं छोटे छोटे सर्कल दे रही हूँ। मैंने कोई अलग से पैटर्न नहीं लिया है दोस्तों, मैं सिर्फ जो ड्रॉ जो मैं इस वीडियो में दिखाया है उसी पैटर्न को मैं एक साथ जोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लीफ, आम्बी और क्या कहते हैं सर्कल को जोड़ दिया है। अब मैं अगेन चेक डिज़ाइन को भी जोड़ूंगी। ये मैं थोड़े से ड्रॉप डिज़ाइन दे रही हूँ। मैंने अगेन लीफ डीप बनाया है फ्रेंड्स। अब मैं बॉर्डर दूंगी, फोर लाइन के बॉर्डर मैं दूंगी। अब देखिए एक पैटर्न तैयार हो गया, फ्लावर, आम्बी, लीफ और चेक डिज़ाइन से या फिर बॉर्डर डिज़ाइन से। देखिए फ्रेंड्स एक पैटर्न तैयार हो गया। नेक्स्ट अगेन मैं पैटर्न बताऊंगी एक और आप लोगों के लिए। मैं फिल नहीं करूंगी, फिल करूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं फोर लाइन खींच रही हूँ, फोर लाइन। आप भी फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, आपको किसी भी डिज़ाइन को जोड़ने के लिए बस दिमाग में रखना है कि मुझे क्या कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स मैं पहले फ्लावर बना रही हूँ, फ्लावर बनाने के बाद मैंने थोड़े से लीफ दिए हैं। अब मैं आम भी बना देती हूँ। अब अगेन मैं बड़े लीफ बना दिया, मेरे देखिए पैटर्न तैयार हो गया। अगेन मैं आम भी बना रही हूँ। आम भी के ऊपर से आप हल्का सा घुमाते हुए एक और आम भी ले सकते हैं। आम भी की जगह आप फ्लावर भी बना सकते थे या फिर आम भी की जगह आप लीफ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अगेन फ्लावर बना रही हूँ। फ्लावर बनाने के बाद मैं इसमें सर्कल दूंगी, छोटे छोटे सर्कल के बाद मैं फिर फ्लावर दूंगी, उसके बाद मैं फिर से एक और फ्लावर दूंगी। फ्रेंड्स देखिए मैंने कैसे तीनों पैटर्न को जोड़ दिया है, और मैं चौथा पैटर्न जोड़ूंगी। चौथा मेरा ये है लीफ, लीफ के साथ ड्रॉप डिज़ाइन। अब फ्रेंड्स अगेन मैं पाँचवा पैटर्न जोड़ूंगी अपना, जो मैंने बॉर्डर बनाया था। आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर डिज़ाइन को एक साथ क्रिएट कर दिया। आप किसी भी आम्बी फ्लावर के को बना के उसके साइड में अगर आप बॉर्डर बनाते हैं तो ये भी बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर मैं एक और डिज़ाइन आपको बना दे बस सिखा रही हूँ, ट्रायंगल के साथ आप कैसे आम्बी और फ्लावर को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनके तैयार होगा। देखिए मैंने एक साइड आम्बी दिया है, अगेन एक साइड, आप दोनों साइड फ्लावर भी दे सकते हैं पहले, बट मैंने पहले आम्बी दिया है और फिर हल्का सा घुमाते हुए एक ड्रॉप दे दिया। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल खूबसूरत एक डिज़ाइन आम्बी और ट्रायंगल फ्लावर्स को लेकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो आप अपने हिसाब से किसी भी डिज़ाइन को आराम से बना सकते हैं। अगेन मैं फ्रेंड्स दे रही हूँ फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद मैं एक और फ्लावर बनाऊंगी, फिर मैं जो चेक की लाइन है उसे क्रिएट कर दूंगी, इससे एक और पैटर्न तैयार होगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे एक नई